नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं होंडा एस पी 125 की। हाँ जी दोस्तों, आपने सही सुना। दोस्तों आप भी एक बेहतरीन गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए होंडा एस पी 125 से बढ़िया गाड़ी कोई नहीं हो सकती है। हाँ यदि आप कोई को आपको हल्की गाड़ी चाहिए तो आप 100 सीसी में भी जा सकते हैं, और आपको हैवी गाड़ी चाहिए तो आप 150 सीसी में भी जा सकते हैं। दोस्तों ये ऐसी गाड़ी है जो कि पावर के मामले में भी बैलेंस्ड है और आपका खर्चे के मामले में बैलेंस है, यानी कि आपको माइलेज जो है वो मीडियम मिलने वाला है, बढ़िया मिलने वाला है, और डेली के कामों के लिए बहुत ही बढ़िया बाइक है। दोस्तों ये आपको इसमें 4-5 कलर देखने को मिलेंगे और मॉडर्न बाइक है। इसका एयरोडायनामिक सिस्टम बहुत ही अट्रैक्शन करता है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है, माइलेज अच्छा मिलता है। ये टायर भी अब इसमें पहले से चौड़ा कर दिया है तो अब जो फ्रिक्शन की यानी स्लिप होने की प्रॉब्लम आती थी वो भी कम हो गई है। इसका माइलेज जो है आपको 70 से आसपास देखने को मिल जाता है। यदि आप टाइम से इसकी सर्विस कराओगे तो आपकी गाड़ी जो है माइलेज अच्छा देती रहेगी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि ये गाड़ी जो है आज की डेट में बिक्री भी अच्छी हो रही है, तो इसके जो पार्ट्स की प्रॉब्लम है वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। जनरली होता यह है कि जो गाड़ियाँ कम बिकती हैं उनके स्पेयर पार्ट्स की प्रॉब्लम आ जाती है, यानी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो उस समय पर उसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। लेकिन एस पी 125 में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी जो है सबसे अच्छी मात्रा में बिकती है, यानी 125 सीसी की जो इंजन कैपेसिटी है उस रेंज में इस गाड़ी जो है परफॉर्मेंस करती है। दोस्तों देखोगे इस गाड़ी में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलता है। इस गाड़ी की बिक्री इतनी क्यों होती है तो उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये सेल्फ स्टार्ट गाड़ी है, लेकिन उसके साथ ही इसमें किक भी देखने को मिलता है। दूसरा ये है कि इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, उसमें बहुत सारे अट्रैक्टिव फीचर मिलते हैं जो कि आपके काम के हैं। पहला फीचर तो यही है कि उसमें आपको गियर इंडिकेटर मिलता है, यानी कौन से गियर में गाड़ी चल रही है वो देखने को मिलता है। दूसरा इसमें फ्यूल भी आपको डिजिटल के रूप में, उसके अलावा इसमें आपको आपकी गाड़ी का क्या एवरेज दे रही है वो भी हमें देखने को मिल जाता है। 2 ट्रिप मीटर मिलते हैं, यानी कहीं प्लान कर रहे हो कितना डिस्टेंस चला तो उसके लिए भी आप ट्रिप को रीसेट करके डिस्टेंस पता कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों देखोगे कि इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो बिल्कुल आप कहोगे बहुत ही अच्छा, और थोड़े से स्पेस में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है हमें।